वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा स्कॉलर्स अगेन। दोस्तों, हमेशा की तरह एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेइंग बैलेंस कैलिब्रेशन एज पर USFDA। तो कैसे वेइंग बैलेंस को कैलिब्रेट करते हैं USFDA के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या गाइडलाइंस हैं, आइए जानते हैं। डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। कैलिब्रेशन इज अ डेमोन्स्ट्रेशन दैट इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट कैन परफॉर्म रिजल्ट्स इन अ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन व्हेन कंपेयर विद अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो कैलिब्रेशन क्या है? कैलिब्रेशन एक डेमो है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि इक्विपमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, वो रिजल्ट परफॉर्म कर रहा है या नहीं विद इन प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस के, ठीक है, विद इन स्पेसिफिकेशन के रिजल्ट शो कर रहा है या नहीं, ये चेक करते हैं जब उसको कंपेयर किया जाता है किसी रेफरेंस स्टैंडर्ड से। ठीक है, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड रहता है जिससे हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को, और चेक करते हैं कि रिजल्ट्स विद इन स्पेसिफिकेशंस है या नहीं। ठीक, एज पर USFDA देर आर 5 मेथड्स ऑफ वेइंग बैलेंस कैलिब्रेशन। 5 मेथड हैं वेइंग बैलेंस कैलिब्रेशन के USFDA के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है रिपीटेबिलिटी, सेकंड है एक्यूरेसी, थर्ड है एक्सेंट्रिसिटी, फोर्थ है लिनियरिटी, फिफ्थ है सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये है 5 मेन मेथड। चलते हैं फर्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज रिपीटेबिलिटी। तो क्या है रिपीटेबिलिटी? डेफिनेशन पहले जान लेते हैं इसकी। एबिलिटी ऑफ वेइंग इंस्ट्रूमेंट टू डिस्प्ले आइडेंटिकल मेजरमेंट वैल्यूज फॉर द रिपीटेड वेइंग्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट अंडर सेम कंडीशंस। रिपीटेबिलिटी एक एबिलिटी है वेइंग इंस्ट्रूमेंट की कि वो एक जैसी वैल्यूज दिखाए जब हम रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स में एक वेट को, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट को वेट करते हैं सेम कंडीशन में। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट को जब हम वेट करते हैं रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स में, तब जब इंस्ट्रूमेंट जो है वो आइडेंटिकल वैल्यूज शो करता है, इस एबिलिटी को रिपीटेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मल्टीपल वेइंग्स। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम मल्टीपल वेइंग्स करते हैं तो उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम रिपीटेबिलिटी कहते हैं। प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करते हैं रिपीटेबिलिटी? 10 रेप्लिकेट वेइंग्स, इसमें हम किसी एक वेट को लेकर 10 बार वेट परफॉर्म करते हैं, रिपीट करते हैं, सेम लोकेशन पे रखते हैं उसको और सेम कंडीशन में 10 बार उसको वेट करते हैं और उसकी वैल्यू चेक करते हैं। टेस्ट वेट हम कौन सा सिलेक्ट करते हैं? टेस्ट वेट फ्यू परसेंट ऑफ नॉमिनल कैपेसिटी ऑफ बैलेंस, ऐसा वेट हम चेक करते हैं जो कि बैलेंस की कैपेसिटी के फ्यू परसेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन सिलेक्ट 20-80% ऑफ बैलेंस कैपेसिटी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20-80% हम ले सकते हैं रिपीटेबिलिटी निकालने के लिए। ठीक है, जो कि बैलेंस की कैपेसिटी का 20-80% है। हालांकि हम इससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये मेंशन है कि फ्यू परसेंट ऑफ नॉमिनल कैपेसिटी ऑफ बैलेंस। और फॉर्मूला क्या है रिपीटेबिलिटी निकालने का? रिपीटेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है 2 into स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन डिजायर्ड स्मॉलेस्ट नेट वेट into 100। ठीक है, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं डिजायर स्मॉलेस्ट नेट वेट से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और हमारी रिपीटेबिलिटी निकल जाती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलती है? स्टैंडर्ड डेविएशन का हम एक्सेल पे फॉर्मूला लगा कर निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू STDEV
और ब्रैकेट में हम वैल्यूज़ को डाल के एंटर प्रेस करेंगे, तो ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट के अंदर, और जब एंटर प्रेस करेंगे तो फिर हमारे रिपीटेबिलिटी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जो लिमिट है रिपीटेबिलिटी की वो है नॉट मोर देन 0.1%। ठीक है, 0.1% से ज़्यादा रिपीटेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जो रिजल्ट है डिज़ायर स्मॉलेस्ट नेट वेट। ठीक है, जो अभी हमने देखा था कि डिज़ायर स्मॉलेस्ट नेट वेट हमने देखा था फॉर्मूले में, जिसको हम डिवाइड करते हैं 2 × स्टैंडर्ड डेविएशन से, क्या है वो आइए जानते हैं। रिपीटेबिलिटी की लिमिट होती है नॉट मोर देन 0.1%। ठीक है, तो 0.1% से ज़्यादा रिपीटेबिलिटी की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ी थी डिज़ायर स्मॉलेस्ट नेट वेट। ठीक, तो डिज़ायर स्मॉलेस्ट नेट वेट क्या होता है आइए पहले जानते हैं डेफिनेशन। स्मॉलेस्ट वेट दैट यूजर्स मे प्लान टू यूज़ ऑन द वेइंग बैलेंस। सबसे छोटा वेट जो कि यूज़र्स प्लान करते हैं किसी भी वेइंग बैलेंस में यूज़ करने के लिए, जो सबसे छोटा वेट निकाला जाता है। ठीक है, कितना वेट सबसे मिनिमम यूज़ करें किसी वेइंग बैलेंस में, तो उसको जो है डिज़ायर स्मॉलेस्ट नेट वेट कहते हैं। ठीक है, और उसके लिए फॉर्मूला है 2000 × स्टैंडर्ड डेविएशन। जो फॉर्मूला है डिज़ायर स्मॉलेस्ट नेट वेट निकालने के लिए वो है 2000 × स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को जब 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। इफ़ द स्मॉलेस्ट डिज़ायर नेट वेट इज़ 150 mg, देन यू कांट यूज वेट बिलो 150 mg। अगर आप जो है आपने जो कैलकुलेट किया स्मॉलेस्ट डिज़ायर नेट वेट 150 mg आया है फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो आप जो है वो 150 mg से कम का वेट यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये वेट हम वो वेट निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के से मल्टीप्लाई करके, जब हम 2000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वो वेट है जो कि मिनिमम वो वेट है जिसको आप किसी भी वेइंग बैलेंस में, ठीक है, उस वेइंग बैलेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट नोट है इसके साथ, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्टेन इज लेस देन 0.41 डी, देन रिप्लेस द स्टैंडर्ड डेविएशन विद 0.41 डी। ठीक, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपने जो ऑब्टेन करी है, जो कैलकुलेट की है आपने स्टैंडर्ड डेविएशन, वो 0.41 डी आई है, तो आप रिप्लेस करेंगे उस स्टैंडर्ड डेविएशन को 0.41 डी से। ठीक है, अगर 0.41 डी से वैल्यू कम है तो आपको रिप्लेस करना होगा उस वैल्यू को 0.41 डी से, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम वैल्यू आपकी 0.41 डी से कम नहीं आनी चाहिए। अगर आती है, अगर 0.41 डी से कम वैल्यू आ रही है तो आपको रिप्लेस करना है 0.41 डी से। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की 0.41 डी रहेगी, वेयर डी इज़ द लीस्ट काउंट। ठीक है, और डी की बात करें तो आपने देखा होगा बैलेंस में भी लिखा होता है, मेंशन होता है, तो वो जो मिनिमम वैल्यू जो बैलेंस शो करता है, ठीक है, लीस्ट काउंट, ठीक है, वो है यहाँ पे स्मॉल डी, इसको हम स्केल इंटरवल भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू। जो टेस्ट वैल्यू आ रही है वो कितने क्लोज है जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, या जो ट्रू वैल्यू है उसके कितने क्लोज है। ठीक है, जो हम एक्चुअल में वैल्यू निकाल रहे हैं वो कितनी स्टैंडर्ड वैल्यू के करीब है, इसको हम एक्यूरेसी में निकालते हैं। एक्यूरेसी का जो वेट कितना सिलेक्ट करते हैं एक्यूरेसी में, हम 5 to 100% ऑफ वेइंग वैल्यू।
अगर सपोज आपका वेइंग बैलेंस जो है वो 100 ग्राम का है, तो आप यूज़ कर सकते हो वेट एक्यूरेसी निकालने के लिए, आप वेट यूज़ करेंगे 5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम के बीच में आप जो है वेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लिमिट, अगर लिमिट की बात करें एक्यूरेसी की, तो नॉट मोर देन 0.1% एक्यूरेसी की लिमिट 0.1% है। फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला है सर्टिफिकेट वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन सर्टिफिकेट वैल्यू इनटू 100। ठीक, क्योंकि हम इसमें यही निकालते हैं कि एक्यूरेसी में हम यही निकालते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी क्लोज है स्टैंडर्ड वैल्यू के। तो इसीलिए हम इसमें अपनी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो उससे माइनस करेंगे ऑब्जर्व वैल्यू को, और डिवाइड करेंगे सर्टिफिकेट वैल्यू को इनटू 100। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू से माइनस करेंगे ऑब्जर्व वैल्यू को, और इसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू से, और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तब हम निकाल देंगे एक्यूरेसी की विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड वैल्यू सेंसिटिविटी। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी की डेफिनेशन जानते हैं। क्या है सेंसिटिविटी? चेंज इन वेइंग वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लोड। ठीक है, जब कंटिन्यू हम बैलेंस को यूज़ करते हैं, किसी भी वेइंग बैलेंस को, तो वेइंग वैल्यू जो लोड सेल है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है, उस इम्पैक्ट पे। ठीक है, उस लोड सेल में जो चेंज आता है उस इम्पैक्ट से, तो उससे जो है वेइंग वैल्यू पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, उस लोड सेल से की वजह से जो वेइंग वैल्यू है एक्चुअल में वो कितना इम्पैक्ट पड़ा है उससे, तो ये चीज़ हम सेंसिटिविटी में निकालते हैं। ठीक, और अगर हम टेस्ट वेट की बात करेंगे, कितना वेट हम यूज़ करेंगे सेंसिटिविटी में, एट और क्लोज टू द बैलेंस कैपेसिटी। बैलेंस की कैपेसिटी के या तो हम एग्जैक्ट जितनी बैलेंस की कैपेसिटी है उतने पे उतना वेट यूज़ कर सकते हैं, या उसके ऑलमोस्ट क्लोज हम वेट यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हमारा वेट 220 ग्राम का, हमारा वेइंग बैलेंस जो है सपोज़ वो 220 ग्राम का है, तो हम वेट यूज़ कर सकते हैं 200 ग्राम। ठीक है, या फिर हम एग्जैक्ट 220 ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर लिमिट की बात करें तो सेंसिटिविटी की लिमिट है नॉट मोर देन 0.05%। ठीक है, 0.05% सेंसिटिविटी की लिमिट है। और कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है सर्टिफिकेट वेट माइनस ऑब्जर्व वेट अपॉन सर्टिफिकेट वेट इनटू 100। ये फॉर्मूला है सेंसिटिविटी निकालने का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। डेविएशन इन द मेजरमेंट वैल्यू कॉज्ड बाय एक्सेंट्रिक लोडिंग। एक्सेंट्रिक लोडिंग से जो मेजरिंग वैल्यू पे डेविएशन आती है उसको हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। अब ये एक्सेंट्रिक लोडिंग क्या है? एक्सेंट्रिक लोडिंग का मतलब है ऑफ सेंटर लोडिंग, मतलब जो कॉर्नर्स पे जो लोडिंग पड़ती है, ठीक है, उससे मेजरिंग वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या डेविएशन हो रही है, ये चीज़ हम निकालते हैं एक्सेंट्रिसिटी में। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस्ड एज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी डेविएशन बिटवीन एन ऑफ सेंटर रीडिंग एंड सेंटर रीडिंग फ्रॉम अ गिवन टेस्ट लोड। ठीक, दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि ऑफ सेंटर रीडिंग यानी कि कॉर्नर की रीडिंग्स और सेंटर रीडिंग में जो उनकी वैल्यू में जो डेविएशन है, ठीक, वो उसको हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। वेट टू बी सिलेक्टेड,
वेट कितना सेलेक्ट करेंगे एक्सेंट्रिसिटी में, तो हम वेट यूज़ करते हैं मोर देन 30% ऑफ बैलेंस कैपेसिटी, जो बैलेंस की टोटल कैपेसिटी है उसका 30% हम वेट यूज़ करते हैं। सपोज हमारा वेइंग बैलेंस जो है वो 200 ग्राम का है, तो हम 60 ग्राम से ज़्यादा वेट यूज़ करेंगे, ठीक है। मिनिमम जो हम वेट यूज़ करेंगे वो 60 ग्राम से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा हम कितना भी वेट यूज़ कर सकते हैं विद इन बैलेंस कैपेसिटी, लेकिन जो मिनिमम वेट है वो 30% से ऊपर होना चाहिए एक्सेंट्रिसिटी निकालने के लिए। और फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है इसका निकालने के लिए, फॉर्मूला है परसेंटेज डेविएशन फ्रॉम सेंटर, ठीक है। क्योंकि इसमें परसेंटेज डेविएशन निकालते हैं हम, सेंटर से कितनी डेविएशन हो रही है, तो हर एक कॉर्नर पे हम वेट को रखते हैं, पहले हम सेंटर पे वेट को रखते हैं, फिर चारों कॉर्नर्स पे हम वेट को रखते हैं, और जो वैल्यू आती है चारों कॉर्नर्स की उसमें हम निकालते हैं, उन चारों कॉर्नर्स में हम निकालते हैं कि परसेंटेज डेविएशन फ्रॉम सेंटर, कितनी डेविएशन हुई है सेंटर से, और उसका फॉर्मूला है डेविएशन फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सपोज हमें डेविएशन फ्रॉम सेंटर C2 निकालनी है, ठीक है, C2 सपोज, ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे, C2 इक्वल टू सेंटर की वैल्यू से माइनस करेंगे C2 को, C1 माइनस C2 अपॉन सेंटर की वैल्यू इंटू 100, ठीक, तो हमारी जो C2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह हम चारों कॉर्नर्स पे वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज डेविएशन की वैल्यू निकालेंगे, और जो जिसका लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड होगा, मतलब लार्जेस्ट जो वैल्यू होगी उसको कंसिडर करेंगे। ये देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ था, इट इज़ इन अदर वर्ड्स इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द डेविएशंस, मतलब इन सब डेविएशंस में जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको हम कंसिडर करेंगे, और जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो शुड नॉट बी मोर देन 0.05%, 0.05% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वो वैल्यू, ठीक है। ये वो फॉर्मूला है जो मैं अभी बता रहा था, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट एट सेंटर माइनस वेट एट इंडिविजुअल पॉइंट डिवाइडेड बाय वेट एट सेंटर इंटू 100। तो इस तरह हम हर एक कॉर्नर पे परसेंटेज डेविएशन निकालेंगे, ठीक, और जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो नॉट मोर देन 0.5% होनी चाहिए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, लीनियरिटी की तरफ। तो लीनियरिटी क्या है, लीनियरिटी इज द एबिलिटी ऑफ बैलेंस टू फॉलो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड इंडिकेटेड वेइंग वैल्यू। लीनियरिटी एक तरह से एक लीनियर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, मतलब एक ग्राफ एस्टैब्लिश करता है जो कि लीनियर रहता है, किस किस के बीच में, जो टेस्ट वेट है उसके बीच में और जो वेइंग वैल्यू है, ठीक, जो टेस्ट वेट और जो वेइंग वैल्यू है उनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप जो बनती है, ठीक है, तो उसको एस्टैब्लिश करने की एबिलिटी को जो है वो लीनियरिटी कहते हैं, एबिलिटी ऑफ अ बैलेंस टू फॉलो अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द लोड एंड इंडिकेटेड वैल्यू, ठीक है, इंडिकेटेड वेइंग वैल्यू। और लीनियरिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम 3 से मैक्सिमम 6 जो है वो वेट लेते हैं लीनियरिटी निकालने के लिए, ठीक है, फ्रॉम 6.3 to 6 point ओवर द रेंज ऑफ बैलेंस। जो बैलेंस की रेंज है उसके विद इन हम डिफरेंट वेट लेते हैं 3 से 6, और उनमें हम ग्राफ निकालते हैं, ठीक है। सपोज हमारा बैलेंस जो है वो 100 ग्राम का है, तो हम 2 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम, ठीक है, इस तरह से मिनिमम जो है वो 3 वेट सिलेक्ट करेंगे या मैक्सिमम 6 वेट सिलेक्ट करेंगे, और उनके बीच में उनकी वेइंग वैल्यू की एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे, और इसमें जो है जो वैल्यू है वो नॉट मोर देन 0.05% होती है, लिनियरिटी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 0.05%। और वेट कितना सेलेक्ट करना है लिनियरिटी के लिए,
तो टेक वेट फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बैलेंस, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हम 2 से लेके 100 ग्राम तक डिफरेंट बैलेंस वेट यूज़ कर सकते हैं, तो वेट जो वेइंग बैलेंस है उसकी जो मिनिमम से मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके विद इन हम किसी भी वेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका लिनियरिटी। कौन कौन सी रेफरेंस गाइडलाइंस यूज़ की है मैंने यहाँ पे, यहाँ पे यूज़ की है मैंने यूएसपी चैप्टर 41 बैलेंसेस, ठीक है, गाइडलाइन यूज़ की है। इसके साथ साथ यूएसपी चैप्टर 1251 वेइंग ऑफ एनालिटिकल बैलेंस, ये गाइडलाइन यूज़ की है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन Q2, ये गाइडलाइन भी यूज़ की है। इसके साथ साथ वैलिडेशन ऑफ कंपेंडियल प्रोसीजर्स 1225, ठीक है, ये एक और गाइडलाइन यूज़ की है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।